हेलो एंड वेलकम वीडियो ऑफ मेरा नाम है दर्शन और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं के एक एक uh, एक सिस्टम में में ऑपरेशन बड़ा चेंज आने वाला है उसके बारे में मुझे पता है कि वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है सभी वर्ल्ड कप के लिए एक्साइटेड है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज वेरी क्रुशियल न्यूज फॉर फुटबॉल क्लब एंड फैंस ऑफ द फुटबॉल क्लब सो थिंक क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो बना दू और आप सभी को इन्फॉर्म कर दू सो इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि नील जोन्स जो कि हमारे बहुत ही रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है उन्होंने कल एक ट्वीट किया था ट्वीट ये था कि लिवरपूल के स्पोर्टिंग डायरेक्टर जूलियन वार्ड वो समर में लिवरपूल को छोड़ के जाने वाले हैं बहुत है, है, ही बड़ी न्यूज है बहुत ही शॉकिंग न्यूज है इन माय ओपिनियन बिकॉज जूलियन वार्ड सिर्फ सात ही महीने से हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर बने हैं आपको पता ही होगा कि माइकल एडवर्ड्स जो कि समर में फ्री ट्रांसफर मतलब कि रिजाइन करके चले गए थे उसके बाद जूलियन वर्ड को प्रमोशन दिया गया था और उनको स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था और स्पोर्टिंग डायरेक्टर का, का काम ऐसा होता है कि वो क्लब के सभी ऑपरेशनों का ध्यान रखते हैं ट्रांसफर ले लो आप या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जैसे कि हमारा स्टब स्टेडियम का एक्सपांशन चल रहा है फैसिलिटीज इंप्रूवमेंट हो रही है उन सभी का ध्यान वो रखते हैं सो आउट ऑफ नो वेर जूलियन वार्ड ने ये डिसीजन लिया है बहुत ही शॉकिंग है मेरे ओपिनियन में और उनके अलावा एक और मेंबर है हमारी ऑपरेशन या फिर सपोर्ट स्टाफ में इयन ग्रेहम हाँ वो रिसर्च कमेटी होती है मतलब कि रिसर्च टीम होती है उसके हेड है वो भी रिजाइन करने वाला है इस समर में सो so, ये दोनों डिपार्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है लिवरपूल के लिए और ये न्यूज़ शॉकिंग क्यों है क्योंकि आउट ऑफ नो ये न्यूज़ आई है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा सो so, उसका रीजन क्या हो सकता है तो मेरे ओपिनियन में ये मुझे कंफर्म न्यूज़ नहीं है मगर ये मेरा ओपिनियन है कि क्लब एफएसजी uh, बेचने वाला है सो जूलियन वार्ड हो या फिर इयान ग्राहम हो उनको पता नहीं है कि न्यू स्ट्रेटजी नए ओनर क्या होने वाला है उनका अप्रोच कैसे होना वाला है सो so दैट्स शायद उन्होंने सोचा होगा कि भाई हम पहले से ही कर दें या फिर uh, ने ए, एक और चीज़ डिसीजन ली है कि uh, जो उनकी पॉलिसी है सेल टू बाय वाली मतलब कि अगर हमें नया प्लेयर चाहिए तो हमें पुराने प्लेयरों को बेचना होगा और अच्छा प्लेयर ढूंढना होगा जो कि पोटेंशियल बहुत बढ़िया हो और बहुत ज्यादा पैसे भी ना जाए उसको So, वो अभी work नहीं कर रही उसकी आप ऐसा ही बोल सकते हो कि उनको पता चल गया कि भाई हमसे ना हो पाएगा हमारे पास उतने पैसे नहीं है उनसे कंपीट करने के लिए सो उसी उन्होंने क्लब को सेल करने का फैसला लिया और इसी वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों स्टेप डाउन होना चाहते हैं रिजाइन करना चाहते हैं सो व्हाट नेक्स्ट फॉर लिवरपूल? क्या हो सकता है किस बंदे को चांस मिल सकता है एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर सो अभी कोई भी न्यूज कंफर्म नहीं हुई है कि भाई नया बंदा ये है उनको हम बनाने वाले हैं एक ऐसी बात आई है कि क्लब इज ऑलरेडी लुकिंग फॉर पोटेंशियल हु इज फिट टू क्लब्स आइडियोलॉजी सो uh, so ये तो एक जनरल स्टेटमेंट ही कह सकते हो आप क्योंकि हम अगस्त से एक अपने मेडिकल uh, हेड को नहीं रिक्रूट कर पाए सो so थोड़ी तो वरी की बात है लिवरपूल के लिए सो so अगर आप लिवरपूल फैन हो मेरी तरह तो एक आप कह सकते हो कि अनसर्टनिटी का थोड़ा समय आने वाला है थोड़ा दौर आने वाला है जब हमको नहीं पता कि हमारा ओनर क्या होने वाला है हमारा अप्रोच कैसे होने वाला है ट्रांसफर मार्केट में क्या हो सकता है सो so, उसके अलावा सो ओके गाइस यही थी मेजर न्यूज की भाई जूलियन वार्ड और इन ग्रेहम लिवरपूल को इस समर में छोड़ के जाने वाले हैं और आपको क्या लगता है कि किस बंदे को चांस मिलना चाहिए एज ए स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ लिवरपूल फुटबॉल क्लब और क्या जूलियन वार्ड का या फिर लिवरपूल के जो हाई हाँ, रैक है ओनर है उनका ये डिसीजन सही है आप कमेंट में लिखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर